अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे और खुश होंगे। सर्दी तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। आप बताएं आपकी सर्दियां कैसी गुजर रही हैं? यहाँ तो हम वापस जा रहे हैं अपने घर, क्योंकि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं अम्मी के घर गई थी रहने के लिए, और 4 दिन के बाद अब हम वापस जा रहे हैं। और वापसी पर मैंने सोचा कि क्यों ना सब्ज़ी ख़रीद ली जाए। सर्दी इतनी बढ़ गई है कि बच्चों को मज़ीद छुट्टियां हो गई, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बात का फ़ायदा उठाया जाए और अम्मी के घर जाकर रहा जाए। बहुत मज़ा आया वहां पर, बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। अब वापसी पर सब्ज़ी लेने के बाद मेरी बेटी की फरमाइश थी कि आइसक्रीम खानी है, तो अब हम आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे थे ग्रैंडियोज। सियालकोट में रहने वालों को तो ग्रैंडियोज का बहुत अच्छी तरह से पता होगा, और हमें यहाँ की आइसक्रीम बहुत पसंद है। जब भी आइसक्रीम खानी हो हम यहीं पे आते हैं। ग्रैंडियोज की आइसक्रीम तो अच्छी है ही, साथ ही साथ इनके रेस्टोरेंट का खाना भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर जब भी आते हैं ना, पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है, इतना रश होता है। लेकिन आज हमें बड़ी आसानी से पार्किंग मिल गई थी, शायद इस वजह से कि ठंड थी और ठंड की वजह से लोग बाहर नहीं आए हुए थे। बड़ी जल्दी हमारी आइसक्रीम भी आ गई थी। मैंने लिया था स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, मेरी बेटी ने लिया था पिस्ता फ्लेवर, और मेरे हस्बैंड ने लिया था टूटी फ्रूटी। और यहाँ पर जी हो गई है नेक्स्ट डे गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे मैंने अपना व्लॉग सुबह से ही शुरू कर दिया था नाश्ते के टाइम से, बल्कि रिकॉर्डिंग मैंने नाश्ते से स्टार्ट की थी। काम तो उससे भी बहुत पहले शुरू हो जाते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैंने सबसे पहले पानी गर्म करना होता है, क्योंकि इतनी सर्दी में इतना ठंडा पानी हो जाता है जो जाके सीधा गले को लगता है। ठंडा पानी पीने की वजह से भी गला ख़राब हो जाता है सर्दियों में। सर्दियों में बच्चों को पानी पिलाना भी एक मुश्किल काम है, लेकिन अगर हम पानी थोड़ा सा कोसा कर लें, थोड़ा सा गर्म कर लें, तो बच्चे भी आसानी से पी लेते हैं। बल्कि जब मेरी बेटी पीती है पानी तो कहती है, मामा ये वाला पानी तो बहुत सॉफ्ट है। मेरे हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके थे और अब मैं अपना नाश्ता बना रही थी, और साथ ही मेरी हेल्पर भी आ गई थी। उन्होंने आज मशीन लगा ली थी, और इन दिनों में तो कपड़े भी नहीं ड्राई होते जल्दी। आप इन दिनों में कपड़ों को अच्छी तरह से ड्राई कैसे करते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रात को जो मैं सब्जियां लाई थी उनमें पालक भी थी, और मैंने सोचा कि आज मैं आलू पालक बनाऊंगी। मैं आलू पालक कैसे बनाती हूँ इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। यहाँ तो सिंपली मैं इनके डंडियाँ तोड़कर साइड पर कर रही थी और पत्तों को अलग कर रही थी। इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी छोटी छोटी। रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर करती ही रहूँगी और रूटीन के काम भी दिखाती रहूँगी, साथ ही हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो आज का टॉपिक ये है कि क्या मदर्स को जॉब करनी चाहिए, स्पेशली उन मदर्स को जिनके बेबीज़ अभी बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि न्यू बॉर्न बेबीज़ की मदर्स को, या फिर 6 मंथ्स के बेबीज़ को, या फिर जब तक बच्चे स्कूल नहीं चले जाते, उन मदर्स को जॉब करनी चाहिए या नहीं। आपको क्या लगता है कि अगर मदर जॉब करती हैं तो क्या घर और बच्चे इग्नोर होते हैं उनकी वजह से? आप अपना रिव्यू मुझे ज़रूर दीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। पालक को काट लेने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से धो रही थी, और इस तरीके से मैं इसको तकरीबन 3 दफ़ा नतार लेती हूँ ताकि इसके अंदर जितनी भी मिट्टी है वो नीचे बैठ जाए। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने जब जॉब स्टार्ट की थी तब मैं अनमैरिड थी, और जब मेरी शादी हो गई उसके बाद भी मैं जॉब करती रही थी, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से इजाज़त ली थी और उन्होंने मुझे कहा था जैसे आपका दिल करता है आप कर सकती हैं। तो शादी के बाद भी मैंने अपनी जॉब कंटिन्यू रखी, और मेरी जॉब थी टीचिंग की, जिसमें मैं मैथ्स पढ़ाया करती थी। ये मैंने अपने पहले भी वीलॉग में बताया था। पालक में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर इसको रख दिया था उबलने के लिए, और अब आप देखेंगे इतनी थोड़ी सी रह गई है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर किचन भी साफ़ कर लिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने जब मुझे बेटी से नवाजा तो भी मैंने अपनी जॉब को कंटिन्यू रखा, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत खुशी खुशी मेरी बेटी को संभाल लिया करती थी। तो इस तरह से मुझे जॉब कंटिन्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मेरे ऊपर कोई ख़ास जिम्मेदारी नहीं थी। और जो घर के 2 बड़े काम होते हैं, जैसे कि कपड़े धोना और घर की सफाई, इसके लिए हेल्पर मुझे शुरू से ही मिली हुई हैं।
यहाँ पर जब थोड़ा सा पानी रह गया पालक में तो मैंने इसको यहीं पे चूल्हा बंद कर दिया और प्याज लहसुन टमाटर अदरक इन सब का इकट्ठा पेस्ट बना लिया था। इस पेस्ट को मैंने ऑयल में डालने के बाद थोड़ा सा भुनाई की इसकी और इसके अंदर ही मैंने पालक को भी शामिल कर दिया था। इसी स्टेज पर पालक को शामिल करके मैंने घोटे छोटे लगा दिए थे और उसके बाद मैंने आलू काट कर डाले और फिर 5 मिनट का प्रेशर दे दिया और प्रेशर देने के बाद मैंने इसके अंदर जितना भी पानी था उसको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया और दैट्स इट, मेरा पालक आलू तैयार हो गया था। साथ ही साथ मैंने रोटियां भी बनाना शुरू कर दी क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका था। अच्छा जी, तो अब आते हैं दोबारा से टॉपिक की तरफ। मेरे जॉब के दौरान ही जब कोविड आया ना तो तब हो गई छुट्टियाँ और तब मुझे जब घर रहना पड़ा तो मेरी बेटी फिर फुल टाइम मेरे साथ ही रहती थी और तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितना बड़ा टाइम मैंने, कितना प्यारा टाइम मिस कर दिया है। ऐसी अटैचमेंट तो मेरी बेटी के साथ पहले नहीं थी जैसी अटैचमेंट मुझे अब घर रहकर मिल रही है। और जॉब करने के साथ ना मेरा घर से ज़्यादा ध्यान सिर्फ स्कूल की जॉब पर ही रहता था। बेसिक काम तो घर के हो ही जाते थे ऊपर ऊपर के, लेकिन फिर भी ध्यान स्कूल में ही रहता था कि कल की क्या प्लानिंग होगी, कल क्या करना है, कल कौन से कपड़े पहन कर जाने हैं और हस्बैंड के लिए कौन से कपड़े रेडी करने हैं, ये वो। उसके बाद कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने मुझे दूसरी बेटी से नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह। तब भी स्कूल की जॉब नहीं छोड़ी थी लेकिन मैंने ब्रेक ले लिया और इस ब्रेक के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत रिश्ते बनाए हुए हैं जिनको मैं मिस कर रही थी इस जॉब की वजह से। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस था और इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शेयर करने वाली हैं लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मुझे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था और आपको क्या बेहतर लगता है। मुझे फ़िलहाल यही बेहतर लगता है कि जब तक बच्चे स्कूल गोइंग ना हो जाएं मदर्स को उनको टाइम देना चाहिए। आज का वीलॉग बस यहीं तक ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।